7, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 5y1 प्लस 5y2 प्लस 2y3 प्लस 6y4 प्लस 5y5 सब्जेक्ट टू 2y1 प्लस 6y2 प्लस 7y3 प्लस 5y4 प्लस 5 प्लस y5 इज इक्वल टू 4, 2y1 प्लस y2 प्लस 3y3 प्लस 2y4 प्लस 8y5 इज इक्वल टू 7, y1, y2, y3, y4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y5 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। हेयर क्वेश्चन में हमारे कंस्ट्रेंट किस में इक्वल टू में है, देन इसको चेंज करके हमने लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में बना लिया। जो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट है उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके हमने लेस देन इक्वल टू में बना लिया। सिमिलरली यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू में, वेयर y1, y2, y3, y4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y5 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। देन पुट कर लेंगे y5 इज इक्वल टू y5 डैश माइनस y5 डबल डैश। देन यहाँ पे हमने पुट कर दिया y5 को y5 डैश माइनस y5 डबल डैश। मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 5, 5, 2, 6, 5 माइनस 1, y1, y2, y3, y4, y5 डैश, y5 डबल डैश सब्जेक्ट टू 2, 6, 7, 5, 1 माइनस 1, माइनस 2, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 5, माइनस 1, 1, 2, 1, 3, 2, 8, माइनस 8, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 8, 8, y1, y2, y3, y4, y5 डैश, y5 डबल डैश लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 4, 7 माइनस 7 फॉर ऑल y is ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हमारा डुअल क्या बन जाएगा, मिनिमम ऑफ z इक्वल टू b ट्रांसपोज w, b का ट्रांसपोज किया तो क्या बन जाएगा 4 माइनस 4, 7 माइनस 7, w1, w2, w3, w4 ये कैसे आए, बिकॉज वी नो दैट नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इन प्राइमल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन डुअल। कंस्ट्रेंट कितनी है प्राइमल में 4, सो हम लेट कर लेंगे द वेरिएबल्स आर w1, w2, w3, w4 जो हमने यहाँ पे लिख दिए। सिमिलरली a का ट्रांसपोज किया तो हमारा ये बन गया इंटू w1, w2, w3, w4 ग्रेटर देन इक्वल टू c ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 5, 5, 2, 6, 5 माइनस 5। देन सॉल्व करके हमारी ये कंस्ट्रेंट्स बन गई। जो हमारी लास्ट वाली कंस्ट्रेंट है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा w1 माइनस w2 प्लस 8 w3 माइनस 8 w4 लेस देन इक्वल टू 5। देन यहाँ पे हमने क्या किया, मिनिमम ऑफ z स्टार इज इक्वल टू 4 को कॉमन निकाल के क्या बन रहा है w1 माइनस w2 प्लस 7 को कॉमन निकाल के w3 माइनस w4। सिमिलरली यहाँ पे बन रहा है 2 को कॉमन निकाल के w1 माइनस w2, 2 को कॉमन निकाल के w3 माइनस w4। सो हमने क्या किया, लास्ट में w डैश इज इक्वल टू w1 माइनस w2, w डबल डैश w3 माइनस w4 वेयर w डैश एंड w डबल डैश आर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। सो यहाँ पे हमने पुट कर दिए मिनिमम ऑफ z स्टार इज इक्वल टू 4 w डैश प्लस 7 w डबल डैश सब्जेक्ट टू 2 w डैश प्लस 2 w डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 6 w डैश प्लस w डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 7 w डैश प्लस 3 w डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 5 w डैश प्लस 2 w डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया इक्वल टू में w डैश प्लस 8 w डबल डैश इक्वल टू 5, वेयर w डैश एंड w डबल डैश आर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू क्या है w डैश इज इक्वल टू w1 माइनस w2, w डबल डैश इज इक्वल टू w3 माइनस w4। सो स्टार्टिंग में हमें कंस्ट्रेंट किस में गिवन थी इक्वल टू में, देन वेरिएबल्स के आगे हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड।